अलायंस की, तो 232 के साथ इंडिया अलायंस आगे है। और अगर हम देखें तो 400 पार के भाजपा के नारे ने इस वक्त उसकी लुटिया डुबा दी है, क्योंकि विपक्ष लगातार उसके 400 के नारे को ही पॉइंट कर रहा है कि वो 300 तक नहीं पार कर पा रही है, और बात वो 400 पार की कर रही थी। रुझान बार बार आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भाजपा की हालत दिख रही है ये सभी देख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से अलग अलग राज्यों से आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ज्योति, 400 पार का नारा दिया था भाजपा ने और उसी को लेकर अब वो पॉइंटर हो रही है। जी बिल्कुल, और लगातार ये जो रुझान आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को भी एक कह सकते हैं सबक मिल रहा है। जो ओवर कॉन्फिडेंस उनका था वो शायद कहीं ना कहीं अब इन रुझानों में डूबता दिख रहा है। 400 पार का नारा लगातार बीजेपी का कोई छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, लगातार उन्होंने 400 पार का नारा दिया, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो 300 पार कर पाने में भी काफी मशक्कत करती दिख रही है। फिलहाल अभी समय है और अभी कुछ ही सीटों पर, मेरे ख्याल से 20 के सीटों पर अभी जीत हासिल कर पाई है बीजेपी, लेकिन अभी काफी सीटें बाकी हैं। कुछ भी कहना अभी थोड़ा असमंजस वाला होगा क्योंकि बाजी कभी भी पलट सकती है, लेकिन अब तक जो रुझान है, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई थी और अब 5 बज चुके हैं, पूरा दिन लगभग निकल चुका है, अब मुश्किल से 2 से 3 घंटा बचा है और अब इन 2-3 घंटों में ही जो होना है वो होना है। बाकी तो चुनाव आयोग अपना काम कर ही रहा है, मतगणना जारी है, देखना ये होगा कि कौन सत्ता में वापसी कर रहा है और कौन सत्ता से इस बार बाहर चला जाता है। देखिए वही 400 की अगर हम लोग बात कर ले तो ऐसा नहीं है कि एनडीए बहुमत से जीत नहीं हासिल कर रही है, हासिल भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो एक करारी हार हो रही है वो दिख रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, रुझानों के बीच एक्शन मोड में है इंडिया अलायंस। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी, कल गठबंधन की होगी बैठक। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार एक्टिव दिख रहा है, और अब ये रुझान भी सामने आ गया है, ये खबर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राहुल गांधी कल बैठक करने वाले हैं और क्या कुछ चर्चा होगी बैठक में उनकी, ये एक बड़ा विषय है। क्या आगे फैसले लिए जा सकते हैं ये इस पर भी निर्भर करता है कि आज शाम तक जो नतीजे आएंगे उन नतीजों पर भी निर्भर करता है कि कल की होने वाली बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति इस वक्त उथल पुथल मचा रही है, क्योंकि सूत्रों से एक खबर आ चुकी है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का मौका ऑफर दे दिया गया है इंडिया अलायंस ने। तो कहीं ना कहीं अब यह भी लग रहा है कि क्या दोबारा से नीतीश कुमार पलट सकते हैं, दोबारा से एक बार वो सीटों को लेकर इंडिया अलायंस के साथ साथ दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें 294 सीटों की तो उसमें जेडीयू की 14 सीटें शामिल हैं, और अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो भाजपा के लिए तो ये बहुत बड़ी हारी साबित होगी एक तरीके से। बिल्कुल, और अयोध्या जैसी जगह जहां 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर बना, श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां से प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सोच का विषय है कि जिस राज्य से, जिस जगह से इतना भगवामय हो गया था उस वक्त 22 जनवरी को, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन इस खबर पर, इस बात पर हम दोबारा आएंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जीतन राम मांझी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। जी हाँ, नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बासुरी स्वराज भी जीत चुकी है, और साथ ही हावेरी सीट से बीजेपी के बासव राज बोमई भी जीत चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बासुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, अपने आप में एक बड़ा नाम है। उन्होंने, जैसे कि सुषमा स्वराज का नाम था, सेम वैसे ही बासुरी स्वराज ने भी उस नाम का मान रखा है और उन्होंने अच्छे वोटों से जीत दर्ज कर ली है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए ये तो होना तय था, क्योंकि अगर हम बात करें सुषमा स्वराज की तो एक वो जानी मानी राजनेता रही हैं, बहुत नाम रहा है उनका, उनकी राजनीति से हर कोई वाकिफ है, बच्चा बच्चा वाकिफ होगा, और उनकी बेटी का इस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हम लोगों ने देखा, किस तरीके से उन्होंने मुद्दों को उठाया, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के बीच में जब वो पहुंच रही थी छोटे से छोटे इलाकों में, तो उसी का असर ये देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में तो फिलहाल हम अगर हम कहें तो केजरीवाल वाला जितनी भी हुआ भ्रष्टाचार हुआ उसके बाद से ये तो तय था कि भाजपा इस बार दिल्ली में अच्छी खासी सीटें निकाल लेगी, 7 की 7 सीटों पर अगर हम लोग एग्जिट पोल पर देख रहे थे तब भी 7 की 7 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही थी, और अभी भी लगातार भाजपा दिल्ली में सीट पे अपना कब्जा जमा रही है। हाँ, नई दिल्ली में बिल्कुल जिस हिसाब से बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो बाकी काफी प्रशंसा योग्य है। नई दिल्ली में जहाँ कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अपने आप में काफी मजबूत है,
लेकिन इस बार जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में काफी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से चल रही है, लेकिन फिर भी मामला कुछ भी पलट सकता है, कभी भी बाजी पलट सकती है। जनता को, प्रत्याशियों को काफी इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा है, ऐसा पीक टाइम है जहां सभी की धड़कनें बढ़ी हैं। हर पार्टी में काफी तेज हलचल हो गई है, सभी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो उन कार्यालय पहुंच रहे हैं, बातचीत चल रही है, बैठकों का दौर जारी है। ये वक्त ऐसा है कि कभी भी एक मिनट में कुछ भी हो सकता है। जनता की निगाहें लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर टिकी हैं और लगातार जनता ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सत्ता में कौन आने वाला है, जनता किसकी ताजपोशी करने वाली है। फिलहाल जनता तो चुनावों में अपना फैसला ले ही चुकी है, लेकिन आज आने वाले नतीजे क्या होंगे आखिरी में, ये बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल अब तक बन चुका है। और देखिए बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, 5 बज चुके हैं और बड़े बड़े राजनेता जेपी नड्डा के पास इस वक्त बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे, बड़े बड़े मंत्री वहां पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी खबर आई थी कि शाम 7 बजे तक पीएम मोदी भी कुछ जनता को संदेश दे सकते हैं। और मध्यप्रदेश के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्यप्रदेश विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान जीत चुके हैं। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गुरमीत सिंह 172,560 वोटों से जीते हैं और कंगना रनौत ने मंडी सीट से बाजी मार ली है। शिवराज सिंह चौहान, उनको लाडली बहनों का पूरा आशीर्वाद मिल चुका है, वो विदिशा सीट से जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत भी जो अपनी जीत का दावा कर रही थी, लगातार वो बॉलीवुड में कुछ हो तो नेपोटिज्म को लेकर भी लगातार हमलावर होती हैं, और अब जबकि राजनीति में उन्होंने कदम रखा है तो राजनीति में भी उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की है। कंगना रनौत की जीत के बाद अब वो आगे क्या कदम उठाती, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि ये जीत जाएंगी फिर ये वापस अपनी बॉलीवुड की दुनिया में ही चली जाएंगी, लेकिन उस पर भी कंगना रनौत ने कहा था कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तो वो देश की सेवा करेंगी, देश के लोगों की सेवा करेंगी, इसलिए वो राजनीति में आई हैं। क्या लगता है आपको, कंगना रनौत का जो जीत हो गई, अब जीत के बाद उनका अगला रुख क्या होगा, जनता क्या उसी हिसाब से एक राजनेता के हिसाब से, एक नेता के हिसाब से उनको राजनीति में वो जगह देगी, क्या जनता पूर्ण विश्वास से उनके हर कामों पे, उनकी जो भी वो विकास करेंगी उस पर विश्वास जता पाएगी, या फिर बॉलीवुड वाला ही हिसाब किताब रह जाएगा। देखिए ज्योति, कंगना की जो जीत है वो कई मायने रख रही है, क्योंकि कंगना ने अपनी जीत से पहले ही इस तरीके के बयान दे दिए कि ये सनातन की जीत है, तो कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर वो जीतेंगी तो सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ वो करेंगी। जिस तरीके से राम मंदिर में उनकी खुशी देखी गई थी, जो उनका वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। मंडी से अगर वो चुनाव जीत चुकी है और बाजी मार चुकी है तो ये जीत कई मायनों में रहेगी। हालांकि बॉलीवुड को लेकर तो वो हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ समय से उनको राजनीति में काफी सक्रिय देखा गया है और बॉलीवुड से भी वो पीछे दिख रही हैं, लेकिन राजनीति में वो प्रॉपर सक्रिय हैं और वो जीत रही हैं, तो सनातन धर्म के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ काम जरूर करेंगी, ऐसे कयास तो ये लगाए जा रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मेहसाणा से हरिभाई पटेल 3,28,046 वोटों से जीत चुके हैं, जिन्हें हरिभाई पटेल ने जीत हासिल कर ली है। अहमदाबाद पूर्व से हसमुख भाई पटेल 4,61,755 वोटों से जीत चुके हैं और अहमदाबाद पश्चिम से दिनेश भाई मकवाना 2,86,437 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। देखिए तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि जरूरी नहीं है कि एनडीए पीछे ही जा रही हो, ऐसा नहीं है कि बहुमत उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुमत मिलने के बावजूद जब इस तरीके का पॉइंटर हो रहा है, क्योंकि अगर इंडिया न्याय यात्रा राहुल गांधी की हमें लग रहा है कि हाँ कामयाब हो रही है, जिस तरीके से पक्ष ने भाजपा ने कह दिया था कि उनकी न्याय यात्रा सफल नहीं होगी, लोग मोदी की गारंटी को पहले रखेंगे, हालांकि मोदी की गारंटी तो है ही, दिख रही है वो सीटों में, लेकिन न्याय यात्रा भी अपना दमखम दिखा रही है, क्योंकि 233 सीटों का ये आंकड़ा एग्जिट पोल में ये आंकड़ा नहीं था, अपनी सीटों से 106 सीटों से अगर इंडिया आगे चल रही है तो कहीं ना कहीं शाम तक लगता है कि रुझान बदल, कांटे की टक्कर अगर हम लोग कहें तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है कि कब कौन बाजी मार ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। काफी समय बाद वो दौर आया है जब विपक्ष भी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, सत्ता पक्ष को विपक्ष जो है काफी मजबूती से लड़ रहा है चुनाव में, और अगर ऐसी ही स्थिति रही
कोई भी सत्ता में आता है तो विपक्ष भी अपनी पूरी मजबूती से विपक्ष में रहने वाला है, क्योंकि काफी हद तक सीटें विपक्ष की ओर भी जाती दिख रही है। काफी समय बाद ये ऐसा माहौल देखने को मिला है और फेयर गेम भी यही होता है जब सामने वाला भी उसी मजबूती के साथ लड़ रहा हो जितना सत्ता पक्ष में जो मजबूती से लड़ रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष बहुत ही कम सीटों पर सिमट कर रह जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका में काफी कम रोल अदा कर पाता है। इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि विपक्ष विपक्ष में तो है लेकिन विपक्ष की भूमिका कितना निभा रहा है, कोई भी काम हो कुछ भी हो हमेशा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देना। अब जैसे कि इंडिया गठबंधन को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है तो अब वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अगर यही कुछ सीटें कम होती तो शायद माहौल कुछ और होता, बयान कुछ और होते, हालात कुछ और होते, जज्बात कुछ और होते। बिल्कुल, बयान बिल्कुल अलग होते और हालात भी कुछ और ही अलग होते। देखिए पहले वो ईवीएम मशीन को लेके पॉइंट आउट कर रहे थे, अब ईवीएम मशीन के पास उनके पास कुछ बोलने को नहीं बचा है तो वो ये कह रहे हैं कि जब मतगणना हो रही थी हमारे कार्यकर्ता वहां जुटे हुए थे और हमारे कार्यकर्ता नजर बनाए हुए थे कि कुछ गलत ना हो, ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ ना हो, कुछ भी छेड़खानी ना हो, तो इस तरीके से वो ये भी ठीकरा फोड़ रहे हैं। और विपक्ष का फिलहाल काम है और विपक्ष इस वक्त खुश है, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से उसको सीटें मिल रही हैं शायद उसने भी इतना नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की सीटें मिलेंगी, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर बना और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने काम किया उसके बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं अनकॉन्फिडेंट हो गया था। बिल्कुल, और लगातार ये रुझान आ रहे हैं और रुझान कभी भी बदल सकते हैं और कभी भी रुझान जीत में भी आ सकते हैं। लगातार एग्जिट पोल भी तमाम आए और उन एग्जिट पोल में बीजेपी को काफी बढ़त दिखाई गई थी, जो कि उतनी बढ़त अभी बीजेपी को मिलती नहीं दिख रही है। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं इस बात की टेंशन अभी बरकरार है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, बता दें कि बड़ी खबर यह है कि जूनागढ़ से राजेश भाई नारायण भाई 1,35,494 वोटों से जीत चुके हैं। साथ ही धारवाड़ सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी जीते हैं। वहीं यूपी की फिरोजाबाद सीट पर सपा प्रत्याशी अक्षय यादव ने जीत दर्ज कर ली है। सपा प्रत्याशी फिरोजाबाद से जीत चुके हैं। यूपी की कई सीटों पर गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। पूरा विपक्ष एक हो गया भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देखने के लिए। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद माहौल कुछ 70-30 के बीच रहने वाला है, लेकिन यहाँ तो लगातार 5 बज चुके हैं और भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन लगातार 50-50 का जो माहौल देखने को मिल रहा है वो काफी दिलचस्प बना रहा है। लोग जो दर्शक बैठ कर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो नजरें नहीं हटा पा रहे कि अगर अभी हम थोड़ी देर के लिए इधर उधर होंगे तो शायद आंकड़े कुछ और हो जाए, क्या लगता है? बिल्कुल, जब हमारी नजरें नहीं हट रही है कि आंकड़े इतने चौंकाने वाले आ रहे हैं, आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। और यूपी में तो भाजपा ने मतलब ऐसी भाजपा से उम्मीद नहीं हो रही थी यूपी में कि यूपी में भाजपा अपना दमखम नहीं दिखा पाएगी। सपा ने जिस तरीके से यूपी में बाजी मारी है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि नहीं हम सीटें लेकर आएंगे और हम लोग कह रहे थे कि नहीं ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पिछली बार उनको सीटें नहीं मिली थी और इस बार अगर इतनी सीटें वो निकाल रहे हैं तो ये तो काबिले तारीफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो बसपा इन सब में गायब होती दिख रही है। बसपा अकेले लड़ रही थी चुनाव, तो ये भी देखा जा रहा था कि वो जो वोट का समीकरण है वो बदल जाएगा, बसपा के खेमे में भी ज्यादा सीटें दिखेंगी, लेकिन बसपा तो गायब ही दिख रही है। किसी बसपा नेता की प्रतिक्रिया अब तक नहीं सामने आ रही, किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अगर बात कर रहे हैं यूपी की सीएम आवास पर बैठक भी हो रही है, योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं, लगातार एक मंथन की स्थिति, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि मंथन करना पड़ेगा और ये मंथन ही लग रहा है मुझे चल रहा है। बैठक में मंथन होगा कि क्या रणनीति ऐसी करनी चाहिए थी जो इस तरीके के आंकड़े आए और किस तरीके से ये बदलाव हो रहा है। बिल्कुल, और लगातार ये रुझान ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता हूँ कार्यकर्ता हूँ सबने काफी मेहनत की है और वो रंग ला रही है। लगातार अखिलेश यादव हो राहुल गांधी हो सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे, उनका कहना था कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ धर्म की राजनीति की, महंगाई इतनी कर दी, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, रोजगार नहीं दिया। तो उस वक्त जो विपक्ष की बातें सत्ता पक्ष वो कह रहे थे, अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर वो इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष में आता है, सत्ता में वापसी करता है, तो क्या वो जो सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने ये नहीं किया उन्होंने वो नहीं किया, तो क्या अगर वो राजनीति में सत्ता में वापसी करते हैं उनकी ताजपोशी होती है तो क्या उन कामों को वो करेंगे या वो वापस उस मुद्दे में भटक जाएंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है नेता वोट तो मांगने जाते हैं जनता के पास, उस टाइम वादे भी बहुत करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा कितना करते हैं ये तो सभी जानते हैं।
किस हद तक वो वादे पूरे होते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग सबसे ज्यादा देखें तो युवाओं का वोट ज्यादा गया है इंडिया की तरफ, और वो क्यों गया है, वो रोजगार के मुद्दे पर गया हुआ है। और अगर अगर आती है इंडिया और ये सब चीजें नहीं होती, रोजगार वहीं का वहीं रह जाता है, तो कहीं ना कहीं अगली बार इंडिया को आने में तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जनता भरोसा जता रही है उसके बाद भी अगर वो भरोसे पे नहीं खरी उतरती है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में भी कई बातों का जिक्र किया है, अग्निवीर योजना का उन्होंने भी जिक्र किया है, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है, और यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो सिविल कोड इन सब चीजों पर अगर बात हो रही है तो लोगों के बीच एक डर भी पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग उत्सुक भी है, डर भी उनके बीच में है कि अगर आता है इंडिया गठबंधन तो क्या कुछ बदलाव हो जाएंगे नए। और लगातार और देखें तो धर्म को लेकर भी एक समीकरण, एक डर का माहौल सा बना हुआ है। बिल्कुल, और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी भी उसी हिसाब से उतारे थे हर एक सीट पर कि बिल्कुल नपी तुली बिल्कुल सीटें जो है सब बीजेपी के पक्ष में आ जाए सारी, और उसी हिसाब से प्रत्याशी उतारे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी नेता हो अगर कहीं संख्या किसी जाति की ज्यादा होती है तो वो कोशिश करता है कि उसी जाति के प्रत्याशी को उतारे ताकि जनता का उसकी तरफ आकर्षण ज्यादा पैदा हो। और आम जनता भी कोई भी नेता हो, कोई या कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर कोई भी एक छोटे से छोटा नेता हो, अपने क्षेत्र से अपने सांसद से यही उम्मीद करती है कि वो उनकी समस्याओं को संसद तक पहुंचाएं, उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण करें, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे जनता वंचित ना रहे। जनता सिर्फ यही उम्मीद करती है, लेकिन उस जनता को उस उम्मीदें उसकी कितनी कायम होती हैं, कितनी उस उम्मीदों पे नेता खड़े उतरते हैं, ये तो देखने वाली बात होती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीएम मोदी वाराणसी से जीत गए हैं। जी हाँ, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 150,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के विश्व देश को एक विश्वगुरु के पटल पर उन्होंने लाकर आज खड़ा कर दिया है, आज वाराणसी की हॉट सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री को अपना पूरा साथ और विश्वास दे दिया है। अब बस वक्त है तो सिर्फ उस घड़ी का बीजेपी को कि वो बहुमत से अपनी जीत हासिल करे, और जनता से जो पीएम मोदी ने 100 दिन का टारगेट मांगा है, 100 दिन का समय मांगा है अपने सारे कामों को पूरा करने के लिए, कि अगर वो जीतते हैं तो 100 दिन के अंदर जनता के लिए तमाम वो चीजें करेंगे जो वो करना चाहते हैं, तो उसमें जनता का जो विश्वास है वो काफी सार्थक साबित होता दिख रहा है। क्या कहेंगी इस पे आप गौरी? वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं, इस वक्त जश्न का माहौल बिल्कुल बीजेपी कार्यालय में देखने को मिलेगा। देखिए बड़ी जीत है भाजपा के लिए, खुशी का है, क्योंकि अजय राय ने जब एक बड़ा बयान दिया था कि वाराणसी से तो पीएम मोदी हार जाएंगे, शुरू के जो रुझान आए थे उसने तो सभी को डरा दिया था। भाजपा भी बिल्कुल मंथन में थी कि अरे प्रधानमंत्री कैसे पीछे रह सकते हैं, और इस वक्त जब रुझान आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री की सीटों में भी मतलब वोटों में भी बढ़ावा हुआ, और अब वो जीत चुके हैं। भाजपा के लिए तो बहुत खुशी की बात है, वाराणसी की जनता के लिए भी खुशी की बात है, उन्होंने दोबारा से पीएम मोदी को मौका दिया हुआ है। और यहाँ पल पल आंकड़े ऐसे बदल रहे हैं, एक सेकंड में, एक मिनट में, तुरंत, कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे, कभी कोई जीता, कभी कोई हारा। अगर एक सेकंड के लिए भी आप इधर उधर होंगे तो आपको वो खबर छूट जाएगी कि कहां कौन से प्रत्याशी जीत गया। अभी कुछ मिनटों पहले, कुछ देर पहले ही हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ये बड़ी जीत, 1.5 लाख वोटों से वो जीते हैं। अजय राय लगातार हमलावर हो रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे, गठबंधन ही वाराणसी से जीतेगा, खबर है जनता को। लेकिन देखिए रुझान आए, नतीजे आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं और अजय राय हार चुके हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से जो वादे किए हैं अब वो आ गया है समय उनको पूरा करने का, लेकिन अभी भी कुछ समय बचा है, अभी भी कुछ सीटें बची हैं जिन पर नतीजे आना बाकी हैं, जिनकी देश की जनता की निगाह है, जिन पर देश की जनता की निगाह है अभी भी टिकी हुई है, अभी भी कुछ वीवीआईपी सीट्स हैं जिन पर नतीजे आना बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए वाराणसी की तो ये एक तरफा जीत थी, सुनिश्चित थी कि अजय राय के आगे, पीएम मोदी के आगे अजय राय का टिकना मुश्किल है, और वो हुआ। और लगातार जैसे कि रुझान आ रहे हैं, आप लोग
स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से कब पलट रहा है, कभी 299 पे पहुंच रही है एनडीए, कभी 295 पे पहुंच रही है। सुबह तक 301 भी हो चुका था, 300 पार कर लिया था, लेकिन अब दोबारा से अगर हम देख रहे हैं तो 295 पर है, मंथन बना हुआ है। हालांकि जश्न का माहौल है भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा कार्यालय में जश्न भी मनाया जा रहा है, तरीके से जश्न मना नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम लोग कहें तो बहुमत में आते हैं बिल्कुल, और बहुमत लाने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा लगातार दिया था उसके बाद, अगर आप इस वोटों के समीकरण पर इतनी सीटों पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो विपक्ष भी निशाना साधे गए, क्योंकि विपक्ष ने भी बहुत मेहनत की थी, लगातार विपक्ष पर निशाने साधे गए थे कि विपक्ष नहीं कर पाएगा कुछ और न्याय यात्रा फेल हो जाएगी, लेकिन न्याय यात्रा फेल नहीं हुई है। बिल्कुल, और इस बीच अगर हम अभी यही बात कर रहे थे कि मिनटों में कुछ भी हो सकता है, और बड़ी खबर हम आपको बता दें, भरतपुर से कांग्रेस उम्मीदवार संजना ने चुनाव जीत लिया है। जी हां, संजना चुनाव जीत चुकी है, और राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका लग गया है, 10 सीटों का भाजपा को नुकसान हुआ है राजस्थान में, जहाँ राजस्थान में अभी कुछ ही समय पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, वही उसी राजस्थान में इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हो गया है। देखिए, राजस्थान के चुनाव की एक दिलचस्प बात यह होती है कि वहां जितनी बार चुनाव होता है हर बार सरकार बदलती है, और फिर लोकसभा चुनाव में अगर इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं तो फिर अब लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आगे बदल सकता है आंकड़े, बदल सकता है। शशि थरूर सुबह तक पीछे चल रहे थे, लगातार ये हो रहा था कि राजस्थान में भी भाजपा की जीत जो है दिख रही है, लेकिन अब भाजपा को बड़ा झटका लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतती दिख रही है, लेकिन राजस्थान में अगर उसने सरकार अभी बनाई, राजस्थान में उस तरीके का दमखम उसका नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं वहां के विकास कार्यों को लेकर लोग वोट दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, इन सभी समस्याओं को लेकर वहां की जनता वोट कर रही है, और उसी के परिणाम दिख रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार ये रुझान आ रहे हैं, और अब बस समय को थोड़ा ही बचा है, अभी भी थोड़ा जनता को थोड़ा संतोष करना होगा, प्रत्याशियों को भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये कहना अभी मुमकिन नहीं होगा कि शाम तक कौन सरकार बना पा रहा है, क्योंकि हलचल बहुत तेज है, राजनीतिक हलचल काफी तेज है, लगातार कार्यालयों में नेता पहुंच रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, या फिर कल बैठक करने का निर्णय ले रहे हैं। अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस तरीके की टक्कर, इस तरह की टक्कर ना तो 2014 में देखी गई और ना तो 2019 में, लेकिन आज जो ये टक्कर 2024 के चुनाव में देखने को मिल रही है वो काफी ऐतिहासिक है। बिल्कुल, बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था कि 10 साल सरकार जिस तरीके से चलाई, राम मंदिर का मुद्दा सबने उठाया लगातार, अगर आप पब्लिक रिव्यू देखेंगे तो उसमें भी लोगों ने यही कहा कि राम मंदिर बना है, बेरोजगारी के मुद्दे पे भी बात हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन राम मंदिर और बेरोजगारी के बीच जो वर्सेस टक्कर चली थी उसमें बेरोजगारी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उभरती दिखाई दे रही है, और भाजपा के लिए ये कहीं ना कहीं बुरा भी है, अच्छा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि वो जीत तो रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं जीत रही है, अपने वादों पर नहीं जीत रही है, और उसको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, शायद उम्मीदवारों के चयन को लेकर नुकसान हो रहा हो, जिस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना का केस आया हो, चाहे ब्रजभूषण का केस आया हो, लगातार जितनी धांधलियां सामने आई हो, वॉशिंग मशीन का अटैक दिया गया था भाजपा को, ये सभी चीजें दिख रही है, उभर के दिख रही है स्पष्ट रूप से। जैसा कि हम लोगों ने जब 7 चरणों के चुनाव हो रहे थे, जो वोटिंग्स में प्रतिशत में कमी आ रही थी, उस दौरान भी हमने बातें करी थी कि लोगों के विकास के मुद्दों पर जब वोट नहीं डालने जा रहे, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तो 4 जून को रुझानों में साफ तौर पर झलकेगा, और वही दिख रहा है। बिल्कुल, आम आदमी सिर्फ यही चाहता है कि जो भी सत्ता में आए, आम आदमी की उन सभी सुविधाओं को, उन सभी मूलभूत सुविधाएं उसको दे, उसके वो सभी काम पूरे हो जो अब तक नहीं हो पाए हैं। और आम ये जो बेरोजगारी का मुद्दा था, ये काफी बेरोजगारी का मुद्दा इस वक्त काफी उठ रहा है, क्योंकि युवा जो हैं उनसे जब पूछा गया, ग्राउंड पर हमारे सहयोगी गए, उनसे सवाल जवाब किए गए, तो उनका यही कहना था कि राम मंदिर तो बना, अच्छी बात है, बनना चाहिए, जाएंगे, लेकिन ये जो अग्निवीर योजना आई है या फिर जो पेपर लीक हो गए हैं उसमें उनका पैसा बर्बाद हो गया है, अब उन्हें इंतजार है कि दोबारा पेपर हो, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी युवाओं के लिए एक अहम मुद्दा रही, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद अगर वो युवा अभी भी बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं उनपे भी थोड़ी मुश्किलें हैं, और साथ ही साथ उनके परिजनों पे भी मुश्किलें हैं। तो आम आदमी युवा बस यही चाहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छा वो अपनी मूलभूत सुविधाएं अपने को, अपने परिवार को दे पाए, सिर्फ यही उम्मीद रखता है सरकार से। तो अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि जो भी सत्ता में आता है,
क्या उसने जो जनता से वादे किए हैं, जो योजनाएं लाने की बात कही है, क्या वो वाकई आ पाती हैं या वो वादे सिर्फ कागजों तक ही, घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाते हैं। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सी न्यूज भारत और ये रुझाना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां अवैध वाहनों पर यातायात पुलिस ने की कार्यवाही। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां दो पक्षों में हुआ विवाद। और अंत में चर्चा करेंगे सीहोर की, जहां लगातार जारी है रेत का अवैध खनन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 1 जून से नए ट्रैफिक नियम लागू हो चुके हैं, जिनका पालन करवाने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा गत दिनों पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में ऑटो चालकों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नए ट्रैफिक